बायराइट बर्नर में जो रिएक्शन होती है वो वाली रिएक्शन है, दैट इज एस एट प्लस आपके पास ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड एट टाइम्स, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा वो एट टाइम्स को, ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स एट टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड द गैस, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है अगर हम लैब में देखें, लैबोरेटरी लैब में इसको कैसे बनाया जाता है, अगर आप सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं Na2SO3 प्लस H2SO4 इट फॉर्म्स Na2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सोडियम सल्फाइड को जब आप सल्फर के साथ रिएक्ट करते हो आपके पास बनता है सोडियम सल्फेट प्लस बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनता है आपके पास वाटर। नेक्स्ट है आपके पास लैब में हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लैबोरेटरी प्रिपरेशन में ही एक आएगी और सही रहेगा। जब आप कॉपर को ट्रीट करते हो किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस केस में आपके पास बनेगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस आपके पास बनेगा वाटर और प्लस आपके पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, इधर आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ट्रीट करते हो तो आपके पास कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और क्या बनता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगर आप इंडस्ट्री देखें तो इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री कैसे हम जो है वो इसको प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप कमर्शियल प्रिपरेशन भी ले सकते हैं। जब आप आयरन बायराइट को तो आप जो है वो ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास क्या बनता है, Na2O3 बनता है और आपके पास क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बनता है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी आपने जो है सल्फ्यूरिक एसिड से ही बोला था, मैंने पायराइट का ये और ये सल्फ्यूरिक एसिड से ही जो है वो आ रही है, जो आपने वहां पर पढ़ा था कॉन्टैक्ट पर्स, ये तो खाली आपके पास और ये क्या है आपके पास लैबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो पहली प्रॉपर्टी यहां पर आएगी वो आएगी दैट इट इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होती है जिसकी स्मेल जो होती है वो पंजेट स्मेल होती है, पंजेट स्मेल का मतलब होता है काफी इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, शॉर्ट शॉर्ट होती है, ठीक है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ये आसानी से लिक्विफाई भी होती है, भारी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की काफी इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से क्या हो गई ये लिक्विफाई होती है एट रूम टेम्परेचर, इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ अबाउट 2 atmosphere pressure। अगर आप रूम टेम्परेचर में ही इसको रखोगे और इसका उसको कंप्रेस करोगे 2 atmosphere pressure तक तो आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है आसानी से लिक्विफाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एसिडिक नेचर, जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है वो एसिडिक, क्यों है एसिडिक, सल्फर जो होता है ऑक्साइड ऑफ बेस सॉरी ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वेयर ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, सल्फर इज अ नॉन मेटल तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा वो एसिडिक होगा। और इवन अगर आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपके पास एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, चूंकि वाटर में डिसॉल्व करने पे ये एक एसिड बना रहा है इसका मतलब जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या है वो एसिडिक नेचर, ठीक है। सपोज करते हैं मैंने क्या लिखा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस मैंने लिखा वाटर तो मेरे पास क्या बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब चूंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिड बना रहा है इसलिए इसका क्या नेचर आएगा आपका एसिडिक नेचर, ठीक है। इवन इसको कहा जाता है एनहाइड्राइड ऑफ
आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड। ये जो रिएक्शन है ये जस्टिफाई कर रही है जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है एसिडिक और बेस के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना रहा है वो आपका सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। और दूसरी चीज अगर आप ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में लोगे ठीक है इसने इसके साथ रिएक्ट कर दिया जितना भी था वो खत्म हो गया आप खाली ये जो है वो बचा है। अगर मैंने और सल्फर डाइऑक्साइड लिया तो वो इन्होंने के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाया उसको दिया बाइसल्फाइड ठीक है। दूसरी चीज इट टर्न्स लाइम वाटर यहाँ पे मैंने एक बुक रखी है तो मुझे पता नहीं चल रहा है आई गेस लेकिन दिख ही रही है क्या बनेगा मेरे पास सल्फर बनेगा। इसका मतलब ये
ये सब जो प्रॉब्लम
व्हाट इज ब्लीचिंग? सिंपल ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। किसी भी चीज का ऑक्सीडाइज होना या रिड्यूस होना वो क्या कहलाता है आपकी? ब्लीचिंग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब मैं सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास जो है नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? मेरे पास नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं आपके पास, इसकी वजह से किसी को भी रिड्यूस करवा सकता है, दैट मींस वो ब्लीच कर सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या होता है, पहले तो कलर एक मैटर होगा, कोई भी कलर सब्सटेंस होगा उसमें अगर मैं ये एच डालूंगी, दैट इज अगर मैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड व्हाइट सल्फर डाइऑक्साइड डालूंगी, दैट मींस व्हाइट सल्फर डाइऑक्साइड से आपका एच है, एच इसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो रेड कलर का देगा, कलरिंग से जो है वो कलर कर सकता है। कलर इज वेजिटेबल, क्योंकि उसका कलर चेंज हो रहा है, लाइट ये क्या है आपको ब्लीच, ठीक है, इसका जो एच हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ब्लीच। ये जो ब्लीच रिएक्शन होता है ये टेंपरेरी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप यूज करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप यूज करोगे ब्लीचिंग पर्पस के लिए, तो वो वाली जो ब्लीचिंग होगी वो क्या होगी, वो टेंपरेरी होगी। क्यों होगी टेंपरेरी? बिकॉज ये जो ब्लीचिंग है ये बायोमेथेन प्रोडक्शन, मैं इसको एयर की वजह से रखूंगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो वापस से अपनी ओरिजिनल कलर पे जब आ जाएगी, उसी कलर के थोड़ा एयर में रखूंगी, एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होकर वो वापस क्या होगा, रिकवर हो जाएगी, वो कलरिंग मटेरियल में जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका जो आपके पास इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है। सिक्स, ऑक्सीडाइजिंग अगर इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट अगर मेरे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा कोई ऐसा मेरे पास एजेंट है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाता, बल्कि कहलाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज जिसके साथ आप ट्रीट करवा रहे हो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2S को इसके साथ जो है वो क्या कराऊंगी, ट्रीट कराऊंगी, ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, H2S को अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास वाटर बनेगा और फिर सल्फर बनेगा। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा थ्री टाइम्स और आपके पास सल्फर बनेगा। ठीक है,
क्या करना है आपने, ये करना है, दैट इज मेट करना है।
कूल कर रहे हैं। कूल जब करोगे तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉलिड का क्रस्ट जैसा बनता है। फिर उस सॉलिड क्रस्ट में क्या करोगे, हमने सॉलिड क्रस्ट जैसे बन गया, इसे दो होल्स हम लगा लोगे किसी भी जगह, प्रिक करोगे इस पर, ठीक है। तो जितना भी इसके नीचे क्या होता है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड को आप जो है बाहर निकालोगे, जो आपका सॉलिड मटेरियल बनेगा वहाँ पे आप देखोगे निडल शेप के क्रिस्टल होंगे, वो निडल शेप के क्रिस्टल इसके होते हैं मोनोक्लिनिक। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास मोनोक्लिनिक होता है, इट इज स्टेबल एबो 369 का बिलो 369 जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनको अल्फा सल्फर, दैट इज आपके रोमेन सल्फर में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और 369 में जो है वो स्टेबल, दैट इज बोथ एग्जिस्ट करते हैं इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन करते हैं। जो आपका मोनोक्लिनिक होता है वो जो होता है स्टेबल होता है कहाँ पे, 369 के एटम से ऊपर, और ये ट्रांसफॉर्म होता है अल्फा सेंटर में अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी नीचे हो, और 369 पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज बोथ स्टेबल होते हैं, इसी टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था आपके पास कि अल्फा सल्फर जो है वो क्या होता है, मिडल सल्फर जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसका जो अल्फा सल्फर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सल्फर पक्का और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसका। जिस तरह से आपने फॉस्फोरस के जो है ऑक्सोसिस जो है वो बनाए, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको जो है वो बनाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हम सल्फर के सीधे जी जिसे जो सल्फर के H2SO नाम लिखेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होगा H2SO3, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, या H2SO3 दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फर्क क्या है, खाली ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता,
ऑर्डर को रिमूव करने में, तो यहाँ पर क्या बचेगा? स्टार्ट करें।